पिछले 22 वर्षों से समाधा आश्रम मैरिज ब्यूरो व सिंधी सोशल फोरम नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से सिंधी उच्च शिक्षित युवा युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस श्रृंखला में 8 दिसंबर 2024 को भी परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूज्य समाधा आश्रम में ब्रह्मलीन परम पूजनीय सदगुरु स्वामी शिव भजन महाराज जी के आशीर्वाद से तथा परम पूजनीय सदगुरु बाबा नारायण भजन साहिब जी के मार्गदर्शन में गत 25 सालों से सामाजिक बहुत सी सेवाएं होती आ रही है, जिसमें मैरिज ब्यूरो की सेवा भी है। सिंधी समाज के युवा युवतियों के माता पिता आकर अपने बच्चों के बायोडाटा एंट्री करवाते हैं और हम उन्हें उनके हिसाब से मैच निकाल कर देते हैं। और समाधा आश्रम मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट www.jaisamadhanmatrimony.com इस नाम से है। इसमें युवक युवतियाँ और उनके माता पिता घर में बैठकर ही अपना मैच देख सकते हैं। मैरिज ब्यूरो ऑफिस हर रोज सुबह 11 से 1 बजे तक और शाम को 7:30 से 9 बजे तक खुली रहती है। पिछले 22 वर्षों से समाधा आश्रम मैरिज ब्यूरो व सिंधी सोशल फोरम नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से सिंधी उच्च शिक्षित युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज द्वारा अच्छा योगदान दिया जाता है। और सफलता इन परिचय सम्मेलन में आई युवा युवतियों के 40-50% रिश्ते जुड़े हैं। आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष भी समाधा आश्रम मैरिज ब्यूरो व सिंधी सोशल फोरम नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से 8 दिसंबर 2024 को 23वां परिचय सम्मेलन जगत सेलिब्रेशन हॉल में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। पत्रकार बंधुओं का पूज्य समाधा आश्रम जरीपटका बैंगलोर में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमारे सहयोगी संस्था सिंधी सोशल फोरम के पदाधिकारियों द्वारा भी आपका स्वागत किया जाता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि पूज्य समाधा आश्रम में विविध मानवीय सेवा यज्ञ के रूप में की जाती हैं। इनके पीछे कोई भी हमारा व्यक्तिगत या आर्थिक कोई भी हमारा लाभ की इच्छा न रखते हुए बिना लाभ हानि के हम यहाँ सेवा देते हैं। पिछले 25 वर्षों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं की जाती हैं, जिसमें सिंधी सोशल फोरम और पूज्य समाधा आश्रम बैंकर जड़पटका के सामूहिक सहयोग से हर वर्ष में 3 परिचय सम्मेलन सिंधी समाज के लोगों के बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 2 वर्चुअली कलाकशुदा महिलाओं पुरुषों के लिए वर्चुअली परिचय सम्मेलन होता है। उसी प्रकार उच्च शिक्षित और इंजीनियर डॉक्टर LLB या MBA वगैरह किए हुए बच्चे जो हमारे समाज में रह जाते हैं या बड़ी उम्र होने के कारण यहाँ आज इस शुभ अवसर पर सिंधी समाज के सभी वर्गों से विनती की जाती है कि वो अपने विवादायक उच्च शिक्षित युवक युवतियों का पंजीकरण करने हेतु समाधा आश्रम मैरिज ब्यूरो बैंक कॉलोनी नागपुर व सिंधी सोशल फोरम दयानंद नगर नागपुर, शंकरलाल रंगलानी गोदिया, दिलीप सावलानी, प्रकाश चेतवानी, मोहन मज्जानी, अशोक माखीजानी इनसे संपर्क करें व 20 नवंबर तक अपने फॉर्म जमा करवाए और इस परिचय सम्मेलन को सफल बनाने में आयोजकों को सरकारी करें, ऐसी अपील आयोजकों द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ चितिजा देशमुख की रिपोर्ट।